सिल्वर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश तंत्र सेकंड और उसकी क्रिया विधि, फोटो सिस्टम सेकंड एंड इट्स मैकेनिज्म। तो फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोटो सिस्टम सेकंड का मतलब क्या होता है। जब यह वर्णक तंत्र क्या होता है, कम तरंग धैर्यों वाले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस तंत्र में फोटोन ऊर्जा का अवशोषण डायग्राम तो बाद में देखेंगे। तो ये जो फोटोन है, तो इस फोटोन जो प्रकाश तंत्र है सेकंड, ये फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल ए 673 और क्लोरोफिल बी 680 तथा फाइकोबिलिंस के द्वारा किया जाता है। प्रकाश तंत्र सेकंड में फोटोन ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल ए के 673 और क्लोरोफिल बी के 680 वर्णक द्वारा किया जाता और साथ में फाइकोबिलिंस के द्वारा किया जाता है। इन फोटो सिस्टम सेकंड फोटोन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी 680 एंड फाइकोबिलिंस। ये भिन्न भिन्न तरंग धैर्यों की प्रकाश तरंगों का अवशोषण करती हैं और अंत में अभिक्रिया केंद्र 680 को स्थानांतरित कर देती हैं। These chlorophyll molecules absorb photon energy and finally transfer to the pigment 680. प्रकाश तंत्र जो सेकंड है, इसमें क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी 680, 650, 80 डिग्री 650 है, 673 क्लोरोफिल बी 650 और जेंथोफिल, और ये जो फाइकोबिलिंस का जेंथोफिल जो है ये सभी एंटीना अणु की तरह कार्य करते हैं। क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी 650 एंड जेंथोफिल इन फोटो सिस्टम सेकंड एक्ट्स एज ए रिएक्शन सेंटर। ये तीनों मॉलिक्यूल मिलकर के रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं, रिएक्शन सेंटर का कार्य करते हैं। पीएस फर्स्ट की तुलना में पीएस सेकंड में कम तरंग धैर्य वाली फोटोन ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। कंपेरिजनली पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड इज एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट में क्या है, हायर वेवलेंथ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, पीएस सेकंड में शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। नोट है पीएस सेकंड का उपयोग केवल अचक्रीय तथा प्रकाश फास्फोरिलीकरण में किया जाता है। PS second is used only acyclic photophosphorylation. PS second is used only in acyclic photophosphorylation. Note है PS जो first है वो तो ग्रेना तथा स्ट्रोमा दोनों के थाइलेकोड में पाया जाता है। PS first जो है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग और स्ट्रोमा भाग दोनों के ही थाइलेकोड में पाया जाता है, लेकिन जो पीएस सेकंड होता है ये केवल ग्रेना पटलकाओं में ही पाया जाता है। पीएस फर्स्ट इज फाउंड बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड। पीएस फर्स्ट इज फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, बट पीएस सेकंड अकर्स ओनली इन ग्रेना लेमिली। But PS second occurs only in a grana lamelli.
नाउ इट्स मैकेनिज्म, प्रकाश तंत्र सेकंड में फोटोन ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी 650 तथा फाइकोब्लिंस के द्वारा किया जाता है। इन फोटोसिस्टम सेकंड फोटोन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल बी 650 एंड फाइकोब्लिंस। ये वर्णक समूह भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया के 680 को स्थानांतरित कर देते हैं। दीज ऑल ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब फोटोन एनर्जी एंड फाइनली ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680। प्रकाश तंत्र सेकंड में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और यह हाफ ओ टू तथा 2H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इस तंत्र में विभिन्न वर्णकों के द्वारा विशेष तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंगों का अवशोषण किया जाता है, जिससे क्लोरोफिल अणु उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। इन फोटोसिस्टम सेकंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोलाइसिस विद द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड ब्रेक डाउन इनटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज टू एच पॉजिटिव आयंस। इन द सिस्टम वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली ट्रांसफर टू द 680 एंड आल्सो रिलीज टू इलेक्ट्रॉन बाय एक्साइटेड एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होने पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देता है। अब जैसे ऊर्जा पाकर के क्लोरोफिल अणु जो उत्तेजित होता है तो उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? थियोफाइटिन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। यहां पर जो क्लोरोफिल जो अणु है ये एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ये क्लोरोफिल जो अणु है जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे ये क्या एक प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करता है, जिस कारण से जल के एक अणु का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है और अपघटन होने पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसी को क्या बोलते हैं? जल का प्रकाशिक अपघटन। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन। इन पीएस सेकंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए ऑक्सीडाइज्ड रिएक्टेंट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन is absorbed by thiophytin, in which also water hydrolysis of one molecules of hydrogen O2 is released and goes to the environment and also released to H positive ion. So this process is called hydrolysis of water to absorb the energy of photon. इस क्रिया में मैग्नीशियम कैल्शियम और क्लोराइड आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जो क्रिया यहां से यहां तक हो रही है इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और क्लोराइड आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दिस प्रोसेस मैग्नीशियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब जल अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जल अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन्हें अभिक्रिया केंद्र पी 680 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पिगमेंट 680।
Now, rich electron is first of all absorbed by electron acceptor pheophyton, and then this electron is transferred by a linear process. According to diagram, a release electron first of all absorbed by pheophyton. These are the electron acceptor, it means electron receptor, and electron transferred by a linear sequence. Pheophyton release electron and become reduced. These release electron is now catch absorbed by plastoquinone. Plastoquinone also reduced, and this electron release electron. This electron is absorbed by cytochrome B6 or cytochrome F, and again this reduced and released two electron. Finally, two electron from PS second is absorbed by electron acceptor plastocyanin, and then plastocyanin se release jo electron hai is reaches into the क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएस फर्स्ट. अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश तंत्र सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था, सबसे पहले उसको फियोफाइटिन ग्रहण करता है और ये अपचयित हो जाता है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसका क्रम है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F, उसके पश्चात प्लास्टो साइनिन. ये प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोसाइनिन है, और प्लास्टोसाइनिन जब अपचयित हो जाता है तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश तंत्र फर्स्ट के क्लोरोफिल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है. ये तभी ग्रहण करेगा जब ये पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर चुका हो. Release electron from plastocyanin is absorbed by PS first chlorophyll molecules of PS first in that state when it already released its electron by the absorb of photon energy by reaction center P700. जब ये ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका होगा उसके बाद ही एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज तो पीएस फर्स्ट है. इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की इस श्रृंखला में पीसी पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड दोनों के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है. इन विच पीसी प्लास्टोसाइनिन एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक. इन दिस प्रोसेस प्लास्टोसाइनिन एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्योंकि दोनों को जोड़ रहा होता है. H2O का फोटोन के द्वारा, अब यहां पर ये लिखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव आयन और प्लस टू इलेक्ट्रॉन. ये टू इलेक्ट्रॉन वाटर हाइड्रोलाइसिस से तो रिलीज हो रहे हैं, ये वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं. तो यहां पर किसकी प्रेजेंट होना जरूरी है, एक तो फोटोन एनर्जी है, और फोटोन एनर्जी के साथ क्या जरूरत है, क्लोरोफिल मैग्नीज और ये अपना हो गया कैल्शियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू एंड क्लोराइड माइनस. ये आयन जो अभी बता रहा था, इनकी प्रेजेंट में फोटोन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसा हो जाएगा, अपना हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला ये अलग है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला इसके बारे में अपन बाद में बताएंगे. इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की श्रृंखला में प्रकाश तंत्र में प्रकाश फोटोन द्वारा क्लोरोफिल अणुओं से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला कहते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
इन विच रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब बाय वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और मुक्त ऊर्जा यदि पर्याप्त मात्रा में, जितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में है, तो इसके द्वारा एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। क्यों हम पढ़ क्या रहे, प्रकाश संश्लेषण, तो संश्लेषण तो कहीं हुआ ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तो इस ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है, यही प्रकाश संश्लेषण। और वो ऊर्जा कौन सी है, एटीपी। और यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है तो वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। इसे सबसे पहले 1939 में रॉबर्ट हिल ने खोजा था। अब हम देख रहे हैं यहां पर जो एनर्जी है वो सफिशियंट है, वह द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज सफिशियंट फ्रॉम रिलीज इलेक्ट्रॉन, देन दिस सफिशियंट एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म, इट मींस टू सिंथेसाइज एटीपी। तो यहां पर जो एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है वो प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बिटवीन होगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, यही तो फोटोसिंथेसिस है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बट पीएस सेकेंड इन दिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिस्टम फोटोसिंथेसिस, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680। बहुत इजी है ये देखने में, आपको ऐसा लग रहा है तो काफी आज के लिए। थैंक यू।